हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। चैप्टर 12 पावर्स एंड एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच 5 रेज टू द पावर एम डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इक्वल 5 रेज टू द पावर 5। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल दिया हुआ है एम। इक्वेशन हमारी है 5 रेज टू द पावर एम डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इक्वल 5 रेज टू द पावर 5। LHS में है 5 पावर m, 5 की पावर माइनस 3। बेस सेम है, डिवाइड में दिया है, बेस सेम होता है, डिवाइड में है तो हमारे पास लो है एक्सपोनेंट का। जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट डिफरेंट होती है तो पावर्स सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे डिवाइड में। तो यहाँ हो जाएगा 5 एम माइनस माइनस 3। पावर m है, माइनस 3 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, m माइनस माइनस 3 इक्वल में दिया है 5 रेज टू द पावर 5। 5 m एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो गया 3 इक्वल 5 रेज टू द पावर 5। 5 रेज टू द पावर m प्लस 3 इक्वल दिया है 5 रेज टू द पावर m। यहाँ बहुत साइड कंपेयर करेंगे कि दोनों साइड ही हमारे पास क्या है, बेस 5 5 है, दोनों साइड बेस 5 दिया है। इधर LHS में भी 5 है और RHS में भी 5 है। जब कंपेयर करेंगे तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इधर पावर दी है m प्लस 3, यहाँ पावर है 5, तो ये हमारी इक्वल हो जाएगी। मतलब कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, अगर एक्सपोनेंट सेम दिए हैं तो हम बेस को क्या करते हैं, इक्वल में रख देते हैं। दोनों एक कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल में रखेंगे और एक्सपोनेंट इक्वल दिए हैं तो बेस सेम रखेंगे। अगर इस तरीके से होता 2a की पावर m इक्वल में 5 की पावर m, अगर पावर सेम होती तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम इक्वल में कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ बेस इक्वल में सेम है दिए हुए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, इक्वल में रख देंगे। तो m प्लस 3 इक्वल हो गया 5। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल 5, ये प्लस 3 इधर शिफ्ट होगा, प्लस का है उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का 3। m इक्वल 5 में से 3 लेस किया 2, m की वैल्यू हमारी हो गई 5। यानी m जो वेरिएबल था हमारा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू हमारी होगी 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट इज 1/3 रेज टू द पावर माइनस 1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1। फर्स्ट दिया है 1/3 रेज टू द पावर माइनस 1, माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 है तो 3 पावर 1, पावर 1 इट मीन्स 3 का 3 होगा तो 3 लिखेंगे, माइनस 1/4 रेज टू द पावर 1 है तो 4 का 4 और होल पावर माइनस 1, 3 माइनस 4 पावर माइनस 1, 3 में से 4 लेस करेंगे माइनस 1, माइनस 1 की पावर माइनस 1, माइनस 1 की पावर माइनस 1, माइनस 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 1, तो हमारा आंसर हो गया माइनस 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 5/8 रेज टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज टू द पावर माइनस 4। माइनस में पावर है, रेसिप्रोकल होगा, 5/8 है तो 8/5 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट है 8/5 रेज टू द पावर 7 माइनस 4, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8 रेज टू द पावर 4। 5/8 पे पावर 7 है तो सेपरेट सेपरेट कर देंगे, 8 रेज टू द पावर 7 डिवाइड में 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 रेज टू द पावर 4। मल्टीप्लीकेशन है, हमें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 4। 8 रेज टू द पावर 7 है, डिवाइड में है 8 रेज टू द पावर 4, डिवाइड फॉर्म में, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 8 रेज टू द पावर 7 माइनस 4। नेक्स्ट है 5 रेज टू द पावर 4, यहाँ हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 7, ग्रेटर पावर 7 है तो डिवाइड में करेंगे, 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस 4।
सेवन में से फोर माइनस करेंगे थ्री, एट रेज टू द पावर थ्री डिवाइड में फाइव, सेवन में से फोर माइनस किया थ्री, फाइव रेज टू द पावर थ्री, एट पावर थ्री इट मीन्स एट मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई एट डिवाइड में फाइव रेज टू द पावर थ्री मीन्स फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव। मल्टीप्लाई करेंगे एट को एट से मल्टीप्लाई किया, एट एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर को एट से मल्टीप्लाई करेंगे, एट फोर जा थर्टी टू, थ्री एट सिक्स जा फोर्टी एट, फोर्टी एट में थ्री ऐड करेंगे फिफ्टी वन, हमारा हो गया फाइव हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइड में फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू फाइव टू जा टेन, टू ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, तो हमारा मल्टीप्लाई किया आंसर हो गया हमारा 512 डिवाइड बाय 125। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर माइनस फोर डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर माइनस एट दिया है, वेयर टी इज नॉट इक्वल जीरो, कि जो टी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू हमारी जीरो की इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टी की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसकी आंसर हमारा इन्फाइनाइट हो जाएगा, मीन्स कि टी हमारा जीरो की इक्वल नहीं है। क्वेश्चन हो गया 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर माइनस फोर डिवाइड में दिया है 5 रेज टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर माइनस एट। टी की पावर माइनस फोर है, यहाँ टी की पावर माइनस एट है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 25, यहाँ हो गया टी रेज टू द पावर माइनस एट डिवाइड में 5 रेज टू द पावर माइनस थ्री है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल हो गया डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 4। पावर माइनस में थी तो रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में, और पावर हमारी प्लस में हो गई। सॉल्व करेंगे 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 4। 5 से डिवाइड कर देंगे 5 टू ज़ा 10। 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू द पावर 8 है, यहाँ टी रेज टू द पावर 4 है, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 डिवाइड में हो गया 2। 25 मल्टीप्लाई 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, डिनोमिनेटर में है 2, टी की पावर 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, टी रेज टू द पावर 4, हमारा आंसर हो गया 625 अपॉन में 2 टी रेज टू द पावर 4। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 3 रेज टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर माइनस 5। पावर्स की फॉर्म में है, माइनस में पावर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, 3 माइनस में है, 10 की पावर माइनस में 125 एज इट इज रहेगा। नो 5 रेज टू द पावर माइनस 7 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में पावर हो गई, 6 रेज टू द पावर भी प्लस में शिफ्ट हो गया, न्यूमिनेटर में था 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 शिफ्ट कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया, तो पावर्स हमारी क्या हो गई, जो माइनस में थी माइनस 5 माइनस 7 वो प्लस में शिफ्ट हो गई, प्लस में शिफ्ट हो गई, पावर्स की फॉर्म में है तो पावर्स में कन्वर्ट करेंगे 125 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होता है 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 रेज टू द पावर 3 यानी 125 के प्लेस पे हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई नेक्स्ट दिया है 6 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 होता है, तो यहाँ 6 के प्लेस पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 डिवाइड में 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई
10 रेज टू द पावर 5 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 तो 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। ये हमने कन्वर्ट किया, 6 को हमने कन्वर्ट किया है 2 मल्टीप्लाई 3 में और 10 को कन्वर्ट किया है 2 मल्टीप्लाई 5 में। वो कन्वर्ट क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 3 की पावर दी हुई है और 5 की पावर दी हुई है, तो हम इसे अगर 3 और 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम एक्सपोनेंट के जो लॉज है वो यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया 6 को, 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5। नाउ 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5 है तो सेपरेट कर देंगे, 2 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड में है, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। अब 5 रेज टू द पावर 3 प्लस 7 है, 7 प्लस 3 10 हो गया तो 5 रेज टू द पावर 10। नेक्स्ट 5 रेज टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है यानी डिवाइड फॉर्म में हो गया, जब डिवाइड में बेस सेम है पावर डिफरेंट डिफरेंट होती है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पावर 10 थी यहाँ पावर 5 है तो 5 सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है 3 रेज टू द पावर 5, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 5 दिया है तो 5 में से 5 लेस कर देंगे, 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5। नेक्स्ट रह गया हमारा 2 रेज टू द पावर 5 और यहाँ भी दिया है 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे 5 माइनस 5। 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 5, 10 में से 5 लेस किया 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5, 5 में से 5 लेस करेंगे 0 तो 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 0। पावर डिवाइड में थी, डिवाइड में पावर्स बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सेम प्रोसेस है 5 में से 10 माइनस 5, यहाँ 3 बेस है पावर्स 5 माइनस 5 और 2 5 माइनस 5, माइनस किया 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 5 रेज टू द पावर 5 एज इट इज़ होगा, 3 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो गया 5 रेज टू द पावर 5, पावर के फॉर्म में आंसर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 5। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एवियन नॉलेज।